हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों? आज हम करेंगे आपकी क्लास सेकंड की इंग्लिश की 32 नंबर वर्कशीट। नेम ऑफ स्टूडेंट में आपका नेम आएगा बच्चों, एंड डेट आएगी यहाँ पर। और हमारा लर्निंग एरिया बच्चों रीडिंग एंड राइटिंग। हमारा बच्चों प्रश्न है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है मैच द राइमिंग वर्ड्स। तो बच्चों आज हमें राइमिंग वर्ड्स को मैच करना है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। तो बच्चों जब हम वर्ड को बोलते हैं तो पीछे जो साउंड आती है, जहां पर सेम सेम साइंड साउंड आती है, वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है बच्चों? तो अब हम इस लाइन के वर्ड के साथ मैच करेंगे जो बिल्कुल इससे मिलता जुलता होगा। जब हम बोलेंगे तो जो साउंड यहाँ आ रही है लास्ट में, तो इधर के वर्ड में भी वैसे ही साउंड आनी चाहिए। ठीक है? बोए, बोए का बच्चों आ जाएगा टोए। ये देखिए, इसको बोल रहे बोए और इसका टोए, तो लास्ट में साउंड सेम आ रही है। अब बच्चों क्रेजी, क्रेजी का आएगा लेजी। ये राइमिंग वर्ड है बच्चों। ठीक है? अब फास्ट का हमें यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा। फास्ट का आएगा बच्चों लास्ट। देखिए साउंड सेम आ रही है दोनों में, फास्ट लास्ट। केयर, केयर का फेयर, केयर फेयर। हाउ का काउ, हाउ काउ। कैट मैट, कैट मैट। मैन पैन, मैन पैन। तो बच्चों ये हमारे राइमिंग वर्ड्स थे जिनको हमने बोल बोल कर देख लिया है कि राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं और उनको किस तरह से मैच किया जाता है। बच्चों सेकंड क्वेश्चन है हमारा, रीअरेंज द सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर बाय नंबरिंग देम। तो बच्चों यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हुए जो आगे पीछे ऊपर नीचे हैं, तो इनको हमें सीक्वेंस में लिखना है, नंबर वाइज लिखना है कि पहले कौन सी लाइन आएगी। तो बच्चों जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है? तो हम अब हमें इन बॉक्स में लिखना है कि पहले कौन सी लाइन आनी चाहिए। ठीक है? तो हम पढ़ लेते हैं पहले। सतीश प्रॉमिस हिज फादर, वन डे हिज फादर कॉल्ड हिम। सतीश वाज अ लेजी बॉय, ही टोल्ड हिम अबाउट द वैल्यू ऑफ टाइम, ही वुड नेवर पोस्टपोन थिंग्स। तो बच्चों यहाँ पर हमें सर्च करना है कि फर्स्ट कौन सी लाइन आएगी। तो बच्चों ये थर्ड नंबर वाली लाइन है, ये सबसे पहले आनी चाहिए थी। ठीक है? सतीश वाज ए लेजी बॉय, सतीश एक आलसी लड़का था। तो ये बच्चों फर्स्ट आनी चाहिए थी, सबसे पहले ये लाइन आनी थी यहां पर ऊपर। तो सतीश वाज ए लेजी बॉय, सतीश एक आलसी लड़का था। अब बच्चों सेकंड लाइन कौन सी आएगी? तो सेकंड नंबर वाली सेकंड लाइन आएगी, वन डे हिज फादर कॉल्ड हिम, एक दिन उसके पिताजी ने उसे बुलाया। तो बच्चों यही आएगी सेकंड नंबर पर। ठीक है? फर्स्ट ये आनी थी और सेकंड ये आनी थी। अब बच्चों थर्ड में आ जाएगी, अब उसके पिताजी ने उसे क्यों बुलाया था? तो ये बच्चों जो फोर्थ लाइन है ये थर्ड नंबर पर आनी थी, ही टोल्ड हिम अबाउट द वैल्यू ऑफ टाइम। तो उनके पिताजी ने उसे टाइम का महत्व बताया, टाइम की उपयोगिता बताई। तो बच्चों ये आएगा थर्ड लाइन, थर्ड नंबर पर आनी है। और बच्चों फोर्थ आएगी सबसे ऊपर, जब उसने उसके पिताजी ने उसे समझाया और टाइम की वैल्यू करने के लिए कहा, तो फिर सतीश ने अपने पापा को प्रॉमिस किया था। ठीक है? सतीश प्रॉमिस्ड हिज फादर, सतीश ने अपने पिताजी को वायदा किया। ये आएगा बच्चों फोर्थ नंबर पर। ठीक है? और लास्ट आएगी बच्चों फिफ्थ लाइन, ही वुड नेवर पोस्टपोन थिंग्स। अब वो चीजों को पोस्टपोन होता है बच्चों, आगे कर नहीं करता था, समय पर अपना काम कर लेता था। ये नहीं कहता कि ये काम मैं कल करूंगा या थोड़ी देर बाद करूंगा। ठीक है? ही वुड नेवर पोस्टपोन थिंग्स। तो बच्चों ये फिफ्थ नंबर पर लास्ट लाइन आनी थी। बच्चों आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है, फटाफट कार्य कीजिए और अपने टीचर जी को दिखाइए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।